नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके सामने रेणु कोट उत्तर प्रदेश की कुंडली लेकर के आया हूँ। नाम है इनका कुणाल। सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। इनका जन्म जो हुआ है वो धाता संवत्सर में हुआ है, जिसमें जो है वो कई बार जो है वो उग्रता व्यग्रता ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं। इस वजह से प्रभु भगवान आप ये सब काम मत करिएगा, बिल्कुल शांत रहिए, धैर्य रखिए। स्थिरता जरूरी है, उग्रता जरूरी नहीं है। आइए मैं आपको सबसे पहले आपकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2040, शक संवत 1905, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम धाता संवत्सर है। और धाता संवत्सर में जन्मे लोग जो होते हैं वो उत्कृष्ट तो होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर व्ययशील होते हैं, व्यय करने वाले होते हैं। चाहे वो ऊर्जा की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो एड्रेस करने की बात हो, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी व्यय में जाती हैं, तो ये बात ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपकी कुंडली जो है वो पौष और माघ माह में जन्मे हैं। इसका मतलब कि व्यक्ति जो है वो प्रतिक्रियावादी है, प्रतिक्रिया देता है, कई बार चिंतन नहीं करता, उग्र हो जाता है। और पौष माह के बाद उत्तरायण में जन्मे होने के कारण उत्तरायण में सूर्य जो है वो प्रबल हो जाते हैं और चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, शुक्र जो है वो अच्छे हो जाते हैं, गुरु जो हैं वो शुभदायी हो जाते हैं, बुध जो हैं वो शुभ लक्षणों से युक्त हो जाते हैं। मतलब उत्तरायण में व्यक्ति के जीवन का जो सर्वस्व होता है वो उसे अच्छा कहा जा सकता है। और बुद्धिमता से युक्त व्यक्ति के माथे के पिछले हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो प्रखर बुद्धि का होगा, बुद्धिमान होगा। निकट आइए, शनि शिशिर ऋतु से प्रभावित होता है, ये शनि के प्रभाव से युक्त शिशिर ऋतु, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र जो होते हैं वो थोड़े से प्रभावित होते हैं। मतलब आपको हो सकता है कि कई बार आपके जो कोई भी काम हो, वो जैसे विवाह हो, जैसे एजुकेशन हो, चाहे करियर वाला जो पोर्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी रुक रुक करके होती हैं, जहाँ आपको कई बार इरिटेटिव जो है वो माइंडसेट का बना देती हैं। रविवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान है, यशस्वी है, ज्ञान संपन्न है, या गुणकारी है, अनुभवी है, और कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से धैर्य से युक्त रही है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि गोराई अच्छी होती है, शरीर सुंदर होता है, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे होंगे। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति जो है वो अगर सरकारी नौकरी ना करे तो कई बार वो पदस्थ होता है, अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, कमज़ोर नहीं है। कुंडली, इस कुंडली में पंचांग बिल्कुल श्रेष्ठ बनता देख रहा हूँ, क्योंकि उत्तरायण का जन्म होना, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, रविवार को जन्मा है व्यक्ति, शिशिर ऋतु में जन्मे है, इस वजह से थोड़ी सी जो है वो न्यायप्रियता की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, व्यक्ति जो है वो अपनी शर्तों पर काम करता है। तैतलकरण अतिगंड योग ये थोड़े कमजोर और वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर व्यवसायिक नेचर जो होता है वो होता है, वो अपने लाभ और हानि के लिए जीता मरता है। मतलब कई बार जैसे उसको पता है कि किस चीज़ से मेरी जो है वो लाभ की स्थिति बनेगी और कहाँ मुझे नुकसान होगा, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आइए मैं आपको यहाँ पे इस पंचांग को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करता हूँ। आप लोगों को बताऊँ एक बात, सर ये कार्यक्रम मैं बना बना करके यहाँ पे थक गया, और ये थकावट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले मैंने 1 घंटा लगातार बातचीत करी थी आप लोगों के लिए, एक अलग कार्यक्रम लेकर के आने वाला था, पर अंतिम में जो है वो बना करके हमने जो है वो हटा दिया कि नहीं, इसको किसी अन्य दिन, दूसरे दिन लेके आएंगे, जो सामाजिक मुद्दे पे विषय पे मैंने कार्यक्रम बनाना सोचा था, पर आज मुझे ये लेकर के आना पड़ा है क्योंकि आज शुक्रवार था। मैं दरअसल 1 घंटा तक बोल दिया था तो आवाज़ भी जो है वो बैठी हुई सी लग रही है। पर मैं कहा था पंचांग पे, पंचांग जो है वो सबसे अच्छी बात पंचांग की है कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है, ये अच्छी बात होगी। दूसरे नंबर पे चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह बनेंगे, तीसरे नंबर पे रविवार का जन्मा होना, चौथे नंबर पे व्यक्ति जो है वो वैश्य वर्ण का है, इसका मतलब है कि वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, सबको एक साथ इकट्ठा लेकर के चलना चाहता है और सबके लिए जीना चाहता है, सबके साथ जीना चाहता है। व्यवसायिक नेचर के जो लोग होते हैं वो कई बार किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पर लाभ सबसे लेना चाहते, ये बात भी दिखती है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों के बारे में चर्चा कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के 5 अच्छी चीज़ें बताऊँगा। आइए अब आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के 5 अच्छी चीज़ों से आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले आप जरा विचार करिए तो सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी भी कुंडली के लिए, सबसे अच्छी बात वो हो सकती है कि लग्न के अधिपति लग्न को देखते हैं। जैसे देखिए 3 नंबर की कुंडली, कुछ दर्शक तो ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात होती है
जो मुझे रोज देखते नहीं, सिर्फ वो जो है वो एक बार कार्यक्रम देख लिया, फिर अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, फिर बात कर ली। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ज्योतिष जानते हैं आप, तो पूछते हैं कि हाँ पंडित जी थोड़ा सा तो जानते हैं। मैंने कहा कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में 3 नंबर दिखा है, जरा बताओ तो वहाँ के अधिपति कौन होंगे? तो बोलते हैं कि शुक्र होंगे। 3 नंबर की कुंडली बनी है, यहाँ पे अगर 3 नंबर दिखे, यहाँ पे अगर 3 नंबर दिखे तो इसके अधिपति शुक्र होंगे। अरे भाई, 3रे नंबर की राशि मिथुन राशि होती है, 1ले नंबर की राशि मेष राशि होती है, जिसके अधिपति मंगल होते हैं, 2रे नंबर के अधिपति शुक्र होते हैं, वृषभ राशि होती है, उसके अधिपति शुक्र होते हैं, 3रे नंबर के 3रे नंबर पे मिथुन राशि आती है, जिसके अधिपति बुध होते हैं, 4थे नंबर के अधिपति कर्क राशि होती है, वहाँ के अधिपति चंद्रमा होते हैं, 5वें नंबर की राशि सिंह राशि होती है, जिसके अधिपति सूर्य होते हैं, 6वें नंबर की राशि कन्या राशि होती है, जिसके अधिपति बुध होते हैं, 7वें नंबर की राशि जो होती है वो तुला राशि होती है, जिसके अधिपति शुक्र होते हैं, 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, जिसके अधिपति मंगल होते हैं, 9वें नंबर की राशि धनु राशि होती है, जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं, 10वें और 11वें नंबर पे मकर और कुंभ राशियां बनती हैं, जिसके अधिपति शनि होते हैं, और उसके बाद 12वें नंबर की राशि मीन राशि होती है, जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति वापस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस भाव के अधिपति कौन होंगे? मिथुन राशि के अधिपति बुध होंगे। जरा देखिए, बुध ने लग्न को देखा है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक हो सकती है, क्योंकि 13 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में, जो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति होकर के उसके साथ बैठे, मतलब बुध जहां बैठे उस भाव के अधिपति उसके साथ ही बैठे हैं, शुक्र यहीं बैठे हैं, जो 2 डिग्री के हैं और गुरु 6 डिग्री के। यहाँ पे बुध सबसे ज्यादा डिग्री में आगे हैं, गुरु और शुक्र का प्रभाव थोड़ा कमजोर दिख रहा है, पर बुध यहाँ पे अच्छी अवस्था में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा है, लग्नेश होते हैं इस कुंडली के लिए सप्तमेश के केंद्र यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति, जहां चतुर्थ भाव स्वतः ही बलवान है, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं, बलवान हो जाएगा शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह का बैठना, और वो भी शुभ ग्रह बनके। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह का बनना, चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, वो शुभ ग्रह होकर के शुभ भाव में शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। और वही नहीं, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति सूर्य, देखिए जन्म कुंडली में मकर राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से चंद्रमा को कमजोरी मिल सकती है। क्लियर है? तो ये पहली अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं और अवस्था अच्छी बना करके, जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति यहीं बैठे, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति यहीं बैठे। इसका मतलब है कि बुध यहाँ पे ठीक ठाक स्थिति में बैठेंगे, क्योंकि उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, वो जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा है, जिसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, प्रणेता होगा, बुद्धिमान होने के साथ साथ ओजस्वी वाणी का होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहे, धर्म अच्छा रहे, न्याय का पक्षधर रहे, ज्ञान का पक्षधर रहे, भगवान विष्णु और भगवान की आराधना करने वाला रहे। उसके अतिरिक्त जो है वो बुध यहाँ पे जातक को चंचल मनोवृत्ति का बना देंगे, सुंदर नेत्रों का बना देंगे, कपोल सुंदर, राजकुमार की भांति सुंदर, श्रेष्ठ और सुंदर काया का व्यक्ति हो जाता है। गुरु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति के पास नारायण की भक्ति मिल जाएगी, शुक्र के साथ बैठ जाने से व्यक्ति के पास वाक शैली, वाक चातुर्यता, अनुभव की कमी नहीं होगी और व्यक्ति सुदृढ़ मानसिकता का होता है। 3-3 शुभ ग्रहों का प्रभाव जब जन्म कुंडली के लग्न पे पड़ेगा तो व्यक्ति के जीवन में शुभ ग्रहों का प्रभाव असर करेगा और व्यक्ति शुभ फल को देने वाला, शुभ फलों का आश्रयदाता और प्रश्रयदाता ये ग्रह बन जाएंगे। क्लियर है? 3 से 4 ग्रह, चारों के चारों ग्रह जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, ये एक अच्छी कुंडली का बेस बन सकता है। जहां आपने लग्न कुंडली को देखा, तो लग्न कुंडली को आप जब आपने देखा तो वहां पे सारे ही स्थितियों को आपने जब आकलन किया है, सभी चीजों को देखा है, तो चंद्रमा शुभ ग्रह, उत्तरायण का जन्म होना, रविवार का जन्म होना, और उसके बाद नक्षत्र का बढ़िया बैठना, नक्षत्रों के पति केंद्र में बैठे हैं। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, गुरु से चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा से शुक्र केंद्र में बैठे हैं, ये इस कुंडली की पहली अच्छी बात है। अगर इतनी सारी अच्छी बातें हैं तो इसको मैं पहले अच्छी बात कहूंगा। 2रे नंबर पे धन भाव के अधिपति का धन के कारक गुरु से केंद्र में होना, ये दूसरी अच्छी बात होती है। अगर धन भाव के अधिपति आपकी कुंडली में धन भाव के कारक यानी कि गुरु से केंद्र में होते हों या शुक्र जैसे ग्रह से केंद्र में होते हों तो ये धन के लिए वैशिष्ट प्रदान कर देता है, विशिष्टता उसकी झलक जाती है, ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। अब बताऊं तीसरी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के 2रे त्रिकोण से हो रहा है, जहां ये 21 डिग्री के विशाखा नक्षत्र गुरु जो है वो केंद्र में, मतलब कितनी अच्छी बात है। जिस नक्षत्र में शनि बैठे हैं
उस नक्षत्र के अधिपति गुरु लग्न को देख रहे हैं। तो ये तीसरी नहीं दूसरी सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि जहां पे ये शनि बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति, जरा गौर करिए, लग्न को देख रहा है सप्तम में बैठ करके, और शनि उस ग्रह को भी देख रहे हैं, शनि शुक्र को भी देख रहे हैं, शनि लग्नेश को भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर न्यायवादी परंपरा विकसित होगी, धार्मिक होने के साथ साथ गुणी होगा, मंत्र जप करने वाला होगा, धनाढ्य वर्ग से आएगा, धन की समस्या नहीं होगी, वैचारिक मतभेद उसके दिमाग में नहीं है। कई बार तो मैं बताऊं कि जो लोग मेरे यहाँ कई बार अपॉइंटमेंट लेते हैं वो पूछ करके गायब हो जाते हैं, और पूछ करके गायब होने के बाद वो जब उनसे कोई संपर्क भी करता है तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो कन्फ्यूज है उनके। आपकी देखो एक बात बड़ी अद्भुत है, जब आप किसी सवालों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर खुद से ढूंढना होगा कि आप खुद को कितना बलवान बना रहे हो, आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी प्रबुद्ध है, कितने मजबूत हैं आप। क्योंकि वास्तव में जब यह बात समझने में आती है कि लग्न का अधिपति कमजोर हुआ, लग्नेश कमजोर हो गए, किसी अच्छे भाव में उनकी स्थिति नहीं बन रही है, कोई अच्छा ग्रह लग्न को नहीं देख रहा है, त्रिकोण के ग्रह अच्छे नहीं बन रहे हैं, त्रिकोण में कोई ग्रह उच्च का नहीं हुआ है, त्रिकोण के अधिपति अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो कुंडली को कमजोरी मिल जाती है भाई जी। और यहां तो लग्न के अधिपति उच्च के, यहां तो भाग्य भाव के अधिपति उच्च के बैठे हैं। अब ये जो है मिथुन लग्न की कुंडली, वायु तत्व के लग्न की, एक वायु तत्व की राशि का बनना, राशि के अधिपति राशि को देख लिए, केंद्र में जो है वो यहां पे चंद्रमा बैठ गए, गुरु से चंद्रमा केंद्र में, शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, पर एक कमजोरी क्या हो सकती है कि बुध से चंद्रमा केंद्र, इसे मैं थोड़ा बहुत कमजोर कर सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा से बुध का केंद्र में होना थोड़ा कमजोर होता है, मेंटल लेवल पे व्यक्ति को परेशान करता है, जहां व्यक्ति तुरंत ही किसी के झांसे में आ जाता है, ये बात मैं कह सकता हूं। तो ये दूसरी सबसे अच्छी बात क्या थी कि चंद्रमा के बाद केंद्र में दूसरा तीसरे नंबर पर भाग्य भाव के अधिपति उच्च के होकर के बैठे थे। और उससे भी अच्छी बात बताऊं क्या है, उससे भी अच्छी बात है कि रिसर्च का क्षेत्र उच्च का है। हाँ, रिसर्च का क्षेत्र उच्च का है, जहां अष्टम भाव और भाग्य भाव के अधिपति, गौर करिए, छठे भाव के अधिपति के साथ संपर्क कर रहे थे, जो इस कुंडली के लिए लाभेश भी होते हैं। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, जहां भाग्य भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव से बनेगा तो भाग्य को बल मिलेगा। वहीं पे मैंने क्या बात बताई थी शनि के लिए कि अगर शनि दो भावों के अधिपति होते हों तो वो विषम संख्या की राशि में बैठेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि अपनी गौण राशि का परिणाम ज्यादा करेंगे, और अगर वो वही सम संख्या की राशि में बैठे होते तो अपनी मूल त्रिकोण राशि का वो फल पहले करते। तो पक्की बात है कि यहां वो गौण राशि का फल ज्यादा करेंगे। इस कारण से व्यक्ति को कई बार उसके रिसर्च वाले क्षेत्र में, उसके जो है वो रिकग्निशन वाले क्षेत्र में, कई बार उसके जो प्रभाव क्षेत्र की कमजोरी भी देखी जाएगी, वहां उसको मशक्कत करनी पड़ सकती है, ऐसा प्रभाव विकसित हो सकता है, जहां आपको कई बार इस पे काम करने की बात है। इसी बात को अगर आप दूसरे तरीके से देखते हैं तो एकादशवें भाव के अधिपति मंगल और अष्टम भाव के अधिपति शनि, इनका संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव में होने के कारण कई बार व्यक्ति को संतान कष्ट होता है, संतति से दिक्कत होती है, संतति उत्पन्न होने में दिक्कत होती है, गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, गर्भ ठहरने में दिक्कत होती है, संतान से मतभेद बने रहते हैं, कई बार आपको ये परेशानी देखने को मिल जाती है। ऐसी अवस्था में इसका निदान एकमात्र होगा कि गर्भधारण की प्रक्रिया समुचित तरीके से, धार्मिक तरीके से, शुद्ध सनातनी परंपरा को पालित करने के बाद हो, तभी जाकर के ये धर्म और ये गर्भ जो है वो बचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आप भले ही अकस्मात एक्सीडेंटली जो है वो आप किसी बच्चे के पिता बन जाते हैं, पर उसके साथ संबंध आपके कमजोर हो सकते हैं, इसको भी समझ लेना होगा। क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव यहाँ पे उच्च के शनि है तो निसंदेह वो भाव ठीक होगा, लेकिन वो अष्टमेश हैं, इस कारण से कई बार हमें इस बात का विचार कर लेना होगा कि हमारी संतुति किस बुद्धि से आ रही है, उसको कैसे संस्कारों की आवश्यकता होगी, ये बात भी जरूरी है। आज मेरी बात जैन धर्म के किसी एक व्यक्ति से हो रही थी, जहां वो माता जी ये बोल रही थी कि पंडित जी पूछो मत, ये तो पूजा करने के नाम पे भड़क जाती है। तो ये जो नक्सलिज्म जो है ना, वो नक्सलिज्म जो सिर्फ वही नहीं है जो हथियार हाथ में बैठे हैं, एक नक्सली आपके घर में भी बैठा है, सोच लेना, एक नक्सली आपके घर में भी बैठा है जो ये कहता है कि पूजा ना करो, पाठ ना करो, मंत्र न जपो, मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे, वो भी नक्सली है। दरअसल वो किसी और नक्सलिज्म का शिकार हुआ बैठा है, जो आपको पूजा करने से मना करता है और खुद को कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं मानता, मैं, वो नक्सली है, वो आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बेटा होता तो निश्चित रूप से अपने धर्म का पालन करता, वो बेटा नहीं है आपका, वो नक्सली है। आमतौर पर हमारे यहाँ नक्सलाइट बोला जाता था ग्रामीण क्षेत्र में, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो बात हमारे यहाँ नहीं होती थी। हमारे यहाँ जहाँ का मैं हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यहाँ पे रणवीर सेना की बोलचाल थी बहुत, रणवीर सेना के बारे में बड़ी चर्चा अभी भी है। वो मेरा जो क्षेत्र है वो आरा जिला के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पे रणवीर सेना वाले बड़े थे। तो अब तो खैर उनके जो है वो मुखिया साहब की मृत्यु हो गई, तो अब उन लोगों का बोलबाल कम हो गया। पर वो उन लोगों कहते थे कि नक्सलाइट आ जाएगा रात में, मेरी दादी कहती थी सो जाओ नक्सली आ जाएंगे, रणवीर सेना वाले आ जाएंगे, काट देंगे आके ही दिन में, ऐसे बोलती थी मेरी दादी। तो जो है वो, तो इसी तरीके से आपका बेटा भी किसी नक्सली से कम नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो धर्म को नहीं मान रहा, क्योंकि वो पूजा को नहीं मान रहा, क्योंकि वो अधर्म हो रहा है, अधर्म को मान रहा है। दरअसल वो है नहीं, पर उसके रास्ते पे है, इस बात से उसको रोकने की आवश्यकता होगी। तो वो बात है, तो यहाँ पे ये बात है, मैं यहाँ पे था। तीसरे नंबर पे अगर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात मैंने बताई, चौथे नंबर पे सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? चौथे नंबर पे सबसे अच्छी बात होगी कि जो लाभ भाव के अधिपति हैं वो भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, और ये महाभाग्यशाली योग बनेगा जो व्यक्ति को यश कीर्ति। अब यही मंगल शनि बैठ करके किसी अलग तरीके से संतति के लिए अलग प्रयास कर रहे थे, अलग परेशानी पैदा कर रहे थे, पर यहाँ पे रिकॉग्निशन भी देंगे। अलग बात है कि ये दोनों ग्रह अपना अपना परिणाम प्रसारित करेंगे, पर यहाँ पे दो अच्छी चीजें भी दिखने को मिलेंगी। जहां एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध जब भाग्य भाव के अधिपति के साथ त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति कई तरीके से धन कमा लेता है, जैसे जैसे वो धन कमा सकता है शेयर से, जैसे वो बैंकिंग से, जैसे वो फिनेंस से, जैसे वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है, जैसे वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है, जैसे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर सकता है, जैसे वो मशीनरी के क्षेत्र में काम कर सकता है, जैसे वो माइनर लेवल पे जो जाकर के इंजीनियरिंग करी जाती है उस क्षेत्र में काम कर सकता है, जैसे वो हिडन वर्ल्ड को हिडन जो लैंग्वेज होती है उस पे काम कर सकता है, सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, बहुत छोटे छोटे कलपुर्जों पे काम कर सकता है, इंजीनियरिंग बेस पे काम कर सकता है, आदि आदि चीजें उसके फेवर में आ सकती हैं। मैनेजमेंट का काम कर सकता है, दरअसल वो हर एक चीज कर सकता है क्योंकि पंचम भाव बलवान है। तो पंचम भाव जब बलवान हो जाएगा और वहां पे व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिला है। आज की जो कुंडली होगी वो अलग तरीके से मैं देख रहा हूँ, यहाँ हो सकता है कि मैं आपको सूर्य पे लेके ना आऊँ, चंद्रमा पे लेके ना आऊँ, मंगल पे लेके ना आऊँ, अलग तरीके से हो रही है चीज़ें, तो आपको ऐसे भी समझने की बात है। तो ये बात, ये चौथी सबसे अच्छी बात है। पांचवी सबसे अच्छी बात है कि लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का बना है, लग्न पुनर्वसु नक्षत्र का बना है, और लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु शुक्र बुध, और लग्न से त्रिकोण में त्रिकोण भाव के अधिपति। इसे त्रिकोण भाव कहा जाता है, ये तीसरा त्रिकोण है, ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है। तो लग्न से त्रिकोण में जन्म कुंडली के त्रिकोण के अधिपति बैठे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति के पास पूर्वजों का, व्यक्ति के पास पितरों का, व्यक्ति के पास ईश्वरों का आशीर्वाद है। उसके साथ धर्म चले, वो धर्म के रास्ते पर चले, वो कभी भी अधर्मी ना हो, विधर्मी ना हो, और वो कभी भी ये ना कहे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये पूजा नहीं करना चाहिए, ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये पाठ नहीं करना चाहिए, तमाम तरीके की बातें इस व्यक्ति के जीवन में नहीं आएंगी। वो धर्मार्थ काम करेगा, जीवन के लिए काम करेगा, जीवित रहने के लिए काम करेगा, मृत्यु देने का काम नहीं करेगा, धर्म के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, और समाज में प्रसिद्ध भी होने का काम इसके भाग्य में लिखा है, क्योंकि ये विश्वविख्यात होने का योग है। वो उच्च का होकर के बैठा है मंगल जैसे भाव के अधिपति के साथ, जहां आप कई बार विश्व में विख्यात होते हैं, प्रखर बुद्धि के वक्ता होते हैं, और प्रखर आप जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में आपको आपको आपकी पहचान मिलती है। क्लियर है, ये बात यहां तक थी। अब इस कुंडली को यहां से ऐसे समझते हैं, सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, खुद के नक्षत्र में, तो ये वस्तुतः 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में कई बार जो है वो करियर वाला क्षेत्र मजबूत दिखेगा पर बाहर से, अंदर जैसे जैसे आप उसमें घुसते जाएंगे कई बार उसमें मशक्कत बढ़ती जाएगी। अष्टम भाव के सूर्य और उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति का रिसर्च वाला क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा, खोजबीन और तिकड़म वाला क्षेत्र बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में उस सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी जो व्यक्ति के स्वभाव को कई बार नैतिकीय तत्वों से युक्त रखेगी, जहां वो कई बार जिम्मेदार है, बुद्धिजीवी है और सनातनी है, बुद्धिमान है। और वो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं है, दरअसल जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसे नेचर वाला है। और कई बार जिस चीज पे अटक के उसकी सुई रहे उसको कई बार आगे नहीं बढ़ने देती। यहां पे कई बार हाथ में आई हुई चीज भी हाथ से फिसल जाती है। वहीं चंद्रमा जन्म कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं, ये इनका कारक क्षेत्र और ये इनकी राशि भी बनती है। और वस्तुतः ये सूर्य यहाँ नहीं बैठे, ये सूर्य यहाँ बैठे हैं जहाँ वो दिग्बली होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति सरकार से और सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, समाज पे काम कर सकता है, क्योंकि एकादशवां भाव बलवान है। यानी कि 12वें भाव जो नवदशवां भाव होगा उसके ठीक पिछले भाव के अधिपति
बलवान होके बैठे हैं। और यहाँ के अधिपति जो दशम भाव है, जो सोशल स्टेटस दिखाता है, उसके अधिपति देखिए बुध जैसे ग्रह के साथ लग्नेश के साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शुक्र जैसे पद धारक ग्रह, क्राउन होता है शुक्र, सिंहासनारूढ़ बनाता है। राजनीति, राजनीति करने वाला, राजनीति दिमाग लगाने वाला, छोटे छोटे चीजों पे गौर करने वाला, बहुत ही मंथन करने वाला होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने वाला होता है। पर हाँ, निसंदेह उसमें अड़चने भी आएंगी, क्योंकि सूर्य का अष्टम में बैठना कई बार पेट की समस्याएं, कई बार हड्डी का रोग, नेत्र की ज्योति का कमजोर कर देना, और कई बार जो है वो निर्णय लेने की क्षमता को भी डिमोलिश करते हैं। आपको इस पे भी फोकस बढ़ाना होगा। चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, नक्षत्र सूर्य का पकड़ा है इन्होंने और वो सूर्य अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, आपको इस पे ध्यान देना होगा। चंद्रमा की कोमल दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो पिता के साथ संबंधों को विकसित करेगी। पिता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे और माता का प्रभाव हमेशा ही व्यक्ति के जीवन पे प्रभावित होता रहे और अच्छा अच्छे रूप से प्रभावित होता रहे। माता और पिता का सुख व्यक्ति को मिलता रहे, संतान का सुख थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद पर मिल जाए जरूर, क्योंकि उच्च के बैठे तो खराब नहीं, उच्च का भाव कभी भी खराब परिणाम नहीं देता, भले देर से दे अपना परिणाम दिखाता रहे। मंगल जो है वो बढ़िया बैठे हैं, 12 डिग्री के हैं, नक्षत्र राहु का, वो राहु जन्म कुंडली में 12 में उच्च के, चंद्रमा के नक्षत्र में, जिसके चंद्रमा अधिपति केंद्र में, यानी कि राहु भी अगर चंद्रमा को देखेंगे तो यहाँ पे खराब नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ राहु 21 डिग्री के और चंद्रमा 0 डिग्री 2 डिग्री के, तो एक दृष्टि के प्रभाव में अब राहु को जरा देखिएगा तो राहु की पांचवी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी और उस चंद्रमा के ऊपर से किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग बात है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति, जो जिस राशि का निर्माण चंद्रमा कर रहे हैं, बुध की राशि कन्या, उसका अधिपति बुध उससे केंद्र में बैठा है, तो चंद्रमा को एक अतिरिक्त बल मिलेगा जो राहु के प्रभाव को कमजोर करने वाला होगा। राहु ने जितना देख करके चंद्रमा को प्रभावित किया ना, उस कमजोरी का बल फिर से वापस सकारात्मक हो जाएगा जब बुध केंद्र में आ जाएंगे। ये बात समझने वाली है। और जिस चंद्रमा की बात आप कर रहे हैं, वो चंद्रमा जो धन का अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठा है, तो माता का सुख इकोनॉमिकली ही ना मिल करके मानसिक रूप से भी मिल जाता है और व्यक्ति की शिक्षा बाधित नहीं होती, उसका प्रभाव अच्छा होता है। वहीं मंगल अगर आप चर्चा करते हैं तो मंगल इनको बहुमुखी और कई बार अपने ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करने वाला भी बना सकते हैं। मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, वैचारिक मतभेद ना हो। कई बार आप जो बात सही कहते हैं सामने वाले को गलत लग जाती है, कई बार आप बिल्कुल ही सही चीज़ के लिए दलीलें देते हैं पर सामने वाला उससे एग्री नहीं करता है। कई बार आपका प्रभाव बहुत ही शोभायमान होता है और जैसे ही वो परिपक्वता को प्राप्त करता है, बगल वाले आपकी कुर्सी खींच देते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपका सूर्य अष्टम में बैठा है, उस पर राहु की दृष्टि है और ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण चौथे भाव पे, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ने से कई बार आप ऊर्जा का समुचित तरीके से नियमन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति का संबंध एकादश में, ये कई बार आपके विचारों को पापी भी बना सकते हैं। जब कभी भी शनि मंगल का संबंध चलेगा तब ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जहां आपको सबसे ज्यादा अपने आप को फोकस वे में काम करने की आवश्यकता हो सकती है। क्लियर है? मंगल की चौथी दृष्टि के बाद सातवीं दृष्टि यहां के लिए लाभदायक, जहां व्यक्ति कई बार परस्पर जो चीज भी प्राप्त करना चाहता है वो कर सकता है। थोड़ी बहुत मशक्कत होगी क्योंकि इसके साथ साथ शनि की नीच दृष्टि भी तो पड़ेगी, इस कारण से मंगल और शनि की दशा आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं पे मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ के लिए, राहु मंगल का संबंध है, यहाँ पे शनि का कोई संबंध नहीं है। यहाँ के अधिपति शुक्र जो जन्म कुंडली के पंचम भाव के भी अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में व्यय की स्थितियाँ बनी रहती हैं, व्ययात्मक स्थितियाँ बनी रहती हैं। कई बार उसके खर्च दूसरों के ऊपर ज़्यादा होते हैं, कई बार उसके खर्च दूसरों के ऊपर ज्यादा होते हैं और कई बार वो अपनी ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजर, जो कि बड़ी बड़ी चीजें फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे पहले व्यक्ति डर जाता है। हालांकि उसके अंदर उतनी क्षमता है कि वो उसको आसानी से कर सकता है, पर फिर भी उसको कई बार अपने आत्मबल पे कमजोरी दिखती है, वो उससे कई बार डर जाता है। तो ये भाव विकसित ना हो, इस चीज पे आप काम कर दीजिएगा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, बैठे अच्छे हैं और ये आपको अनुभवी भी बना रहे हैं, कला क्षेत्र का माहिर बना रहे हैं, कंप्यूटर क्षेत्र का जानकार बना रहे हैं, तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, बुद्धिमत्ता से युक्त और आपको परिपूर्ण और साथ ही साथ नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला बना रहे हैं। साथ ही साथ उसके अतिरिक्त अगर गुरु केंद्र में है, अगर सूर्य भी केंद्र में हो जाते तो और भी आनंद की बात हो जाती, क्योंकि सूर्य अष्टम में अगर नहीं बैठे होते, वो 7 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर जरूर होंगे, हालांकि वो एक अच्छे भाव में ही बैठे हैं क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी ग्रह सबसे ज्यादा भाव से ही प्रभावित होता है और भाव से ही प्रताड़ित भी किया जाता है।
तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको कम से कम अपने पिता के स्वास्थ्य पे और पिता के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ा बहुत और भी ज्यादा लेवल में आना होगा। वहां उनके साथ संबंधों को विकसित करिए या अपने आत्मबल पे काम करिए। आप अपने कला क्षेत्र पे काम करिए, अपने आत्मबल पे काम करिए, अपने फोकस पे काम करिए, अपने कंसंट्रेशन पे काम करिए, क्योंकि वो भंग हो सकता है बुध और चंद्रमा के केंद्र में आने के कारण। क्लियर है? बुध की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक होगी। व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आयु, उम्र, ये सब चीज ठीक रहे क्योंकि शनि हो चुके हैं। अष्टम भाव के अधिपति जो है वो शनि मंगल जैसे ग्रह के साथ है। लग्नेश को शनि ने देखा है, अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि है। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो कभी भी गिर पड़े तो कुछ भी ना हो, कभी भी टूटने फूटने और कटने पिटने के खतरे नहीं होते। अगर ऐसा होगा भी तो बहुत सामान्य या मामूली हो सकता है। क्लियर है? बुध के बाद अगर गुरु, तो गुरु यहाँ बैठे हैं अच्छे, हंस योग के निर्माता बनेंगे। गज केसरी योग का निर्माण होगा। बुध के साथ बैठने से शिक्षकीय गुण होगा। व्यक्ति तार्किक है, समझदार है, अच्छे और बुरी चीज़ों में उसको उसकी परख बड़ी अच्छी है। वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, कलेक्शन करने वाला है, अच्छी चीज़ों को ग्रहित करने वाला है। उसकी ग्राह्य क्षमता बहुत अच्छी है, एडॉप्टेशन पावर बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर भरी पड़ी हैं, आपको इन सब चीज़ों को बल देना चाहिए। और निसंदेह गुरु की सातवीं दृष्टि के बाद, मतलब पांचवीं दृष्टि, लाभ की स्थिति, जहां व्यक्ति जीवन में जो चाहे, गुरु मंगल का योग यहां पे बनेगा, शनि का प्रभाव यहां रहेगा। इस भाव से केंद्र में जो है वो सूर्य बैठे हैं, जो इनकी उच्च की राशि है, तो इस भाव को अलग से बल मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे यहां पे सूर्य की उच्च राशि बनी, तो सूर्य उस उच्च की राशि से कहाँ बैठे हैं, अपनी उच्च की राशि से केंद्र में, तो इस वजह से इस भाव को बल मिल जाएगा। और इस भाव के अधिपति मंगल इसको देख रहे हैं, तो इस भाव को बल मिल जाएगा। इस भाव पे गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो तीन अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा और एक कमजोर ग्रह शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है या कई बार कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है। गुरु की सातवीं दृष्टि व्यक्तित्व को गंभीर बनाए, अनुभवी बनाए और कई बार घमंडी भी बना दे। वहीं गुरु की नवी दृष्टि लाभदायक, मतलब गुरु की तीनों ही दृष्टियां जातक के लिए लाभदायक होंगी। पांचवी भी धन के क्षेत्र में भी, लाभ के क्षेत्र में भी, यश कीर्ति मान सम्मान और भौतिक सुख संसाधन के क्षेत्र में भी, आयु और अनुभव के मामले में, क्योंकि लग्न पुनर्वसु का बना है और वो ग्रह उसे देख रहा है। वहीं गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है जहाँ पे सिंह राशि बनी है। अब यहाँ पे सूर्य जो है वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, तो कई बार पिता के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है, छोटे भाई बहनों के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। कई बार आपके ऊपर इनका दारोमदार होगा इनको बचाने का। अगर ऐसे लोग आपकी कुंडली में जो छोटे भाई अगर हैं, तो उनको आपको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई आवश्यक नहीं अपना ही हो, कोई दूसरा भी बगल का भी हो सकता है जो छोटा हो आपसे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बनते हैं 12वें और पंचम भाव के अधिपति, परमूल त्रिकोण राशि यहां बनी है और बैठे यहां हैं, तो ये यहां का फल ज्यादा करेंगे, यानी कि वो सप्तम का और पंचम का फल ज्यादा करेंगे। इस वजह से वो आपको ज्ञान संपन्न, बुद्धि संपन्न, प्रेम से संपन्न, प्रेम को समझने वाला, प्रेमातुर, प्रेम के लिए भूखा और प्रेम की भाषा समझने वाला बना देंगे। अनुभवी, कर्मठ और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में भौतिकीय सुख संसाधन से युक्त और धर्म से युक्त, मंत्र से युक्त जीवन श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति कई बार जल्दी बूढ़ा होने लगता है। हालांकि ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि जो है वो मंगल का प्रभाव लग्नेश पे नहीं है, इस वजह से ये बात मैं कहता हूँ। हालांकि एक बात और भी कहूँगा कि लग्न पे गुरु, शुक्र, बुध जैसे और चंद्रमा का प्रभाव होगा, क्योंकि लग्न से केंद्र में बैठे हैं, तो ये बात जीवन में शुभता के और शुभ लक्षणों का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कितनी ही कुंडली बड़ी विधाता ने अच्छी बनाई है, अरे भाई साहब गुरु आप यहीं बैठ जाओ, गुरु लग्न को देख लीजिए, शुक्र आप कहाँ बैठ रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं, ज्ञान व्यक्ति को दे दीजिए, बुध आप जो है वो आ जाइए, लग्न के अधिपति हैं, लग्न में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा आप अपने ही घर में बैठ जाइए, क्योंकि आपको मैं गजकेसरी योग का निर्धारणकर्ता बना दूंगा। तो अगर चंद्रमा केंद्र में हो जाएंगे, बस मशक्कत यह है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं तो सारी चीज़ें तो मिल नहीं सकती, तो सूर्य जो है वो अष्टम में चले गए। हालांकि बहुत अच्छी बात है विधाता की विशेष कृपा आप पे, कि आपकी कुंडली में पंचम भाव, ये पूर्व जन्म का भाव होता है, प्रभु ये प्रभु जी पूर्व जन्म का भाव होता है, जहाँ शनि और मंगल बैठे हैं, तो पंचम भाव में अगर कोई पापग्रह भी बैठ जाए तो कभी भी गलत परिणाम नहीं दे सकता, वो जानबूझ करके भी नहीं दे सकता, तो उसकी तो विषाती क्या है, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं त्रिकोण में बैठूं। कोई भी राशि चाहती है कि मैं त्रिकोण में बन जाऊं, और बनी है, तुला राशि बनी है, शनि वहां बैठे हैं, तो खराब क्या है। तो ये बात है, तो शुक्र का प्रभाव यहाँ पे आपको अनुभवी बनाए, सुंदर बनाए और गुणकारी बनाए, और बहुत जल्दी ही ट्रिकी समझता है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई भी चीज भाप लेता है, वो गले में हाथ डाल करके किसी भी अंदर की बात को समझ लेता है। ये बात आपकी कुंडली में है। शुक्र जो नक्षत्र पकड़े हैं वो आपको कई बार धार्मिक बना सकते हैं, अनुभवी बना सकते हैं, ज्ञान संपन्न बना सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में केतु को सर्वाधिक अनुभवी ग्रह कहा जाता है, तो उसका कुछ प्रभाव उस पर आ ही जाएगा।
चंद्रमा से शुक्र का केंद्र में होना, यह अलग तरीके का प्रभाव रहे जो व्यक्ति को सुंदर पत्नी, सुंदर दाम्पत्य और धनाढ्य वर्ग से व्यक्ति का धन आता है, व्यक्ति को ससुराल से धन मिलता है, पत्नी अच्छी मिलती हैं, बुद्धिमान और पढ़ी लिखी मिलती हैं, दाम्पत्य का सुख बड़ा अच्छा होता है, संतान का सुख बड़ा अच्छा होता है, चल अचल संपत्ति का भाव बड़ा अच्छा होता है। ये सभी चीज़ें बताऊंगा अभी बाकी। तो ये शुक्र थे। शनि जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के, इस वजह से भाग्य का सुख, धर्म का सुख, पिता का सुख, न्याय का सुख, सरकार का सुख, राजनीति का सुख, छोटे जो है वो वर्ग के लोगों का सुख, समाज के निचले दबे हुए जो लोग हैं उनका सुख, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। दुख नहीं है जीवन में, सुख ही सुख है। क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण में अगर ग्रह बैठेंगे तो कभी भी चाह करके भी वो थोड़े भी बात भटकेगी तो तुरंत लग्नेश बोलेंगे हाँ खबरदार मैं देख रहा हूँ। अगर लग्नेश नहीं देखते तो शनि भी यहाँ पे कमजोर हो जाते, क्योंकि इनको मौका मिल जाता कुछ पटपटा और अलग करने का। वस्तुतः वो नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मेरी भाई मूल त्रिकोण राशि जो है वो भाग्य भाव में बनी है, मेरे अंदर एक अच्छे भाव को जो है वो मैं जो है वो रूल कर रहा हूँ, तो वो चाह करके भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी जो है वो हस्ती दांव पे लगी है। क्योंकि उनके ऊपर जो है वो लग्नेश ने कहा है कि आपको मैंने अच्छे घर दिए हैं और अच्छे भाव में भी बिठाया है और खुद भी जो है वो लग्न को जातक के ऊपर से आशीर्वाद बना हुआ है, तो यहाँ पे शनि कभी भी बुरे परिणाम नहीं करेंगे। वहीं शनि की तस्वीर तीसरी दृष्टि यहाँ बड़ी है, ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत विलंब कर सकते हैं, एक सामान्य सी बात होगी। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक नहीं है, शनि की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक नहीं है, मतलब शनि बैठे खाली हैं पर देख अच्छे नहीं रहे। इस वजह से शनि की दशा में आपको सावधान होना होगा। शनि की ढैया साढ़े साथी वगैरह आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है क्योंकि शनि के ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं, तो अलग बात है कि चंद्रमा को थोड़ा बल कमज़ोर मिलेगा, बल कमज़ोर हो जाएगा, पर शनि के ठीक पीछे चंद्रमा के बैठे होने से शनि का बल बढ़ेगा और शनि का प्रभाव बढ़ेगा और शनि का प्रभाव बढ़ेगा। राहु 12 में पांचवीं चंद्रमा को कमजोरी जो मिल रही थी उसकी क्षतिपूर्ति बुध कर दे रहे थे। राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा और इसके ठीक पीछे मंगल, ठीक आगे तीन तीन शुभ ग्रह, तो पापकर्त्री शुभकर्त्री का योग खत्म, क्योंकि आगे तो तीन शुभ ग्रह बैठ गए और पीछे शनि मंगल बैठ गए, तो इस भाव का सुख कमजोर हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं तो यहाँ पे तीन तीन ग्रहों के बैठ जाने से आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, विपरीत परिस्थितियाँ आपका कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे हैं जिसके अधिपति पंचम में नवम भाव के अधिपति के साथ, पैतृक संपत्ति कभी भी आपका कोई हड़प नहीं सकता है और सबसे पहले दुश्मन जो तैयार होते हैं वो घर के लोग होते हैं जो कि आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति बलि होकर के बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं। इसका अधिपति केंद्र में बैठा है, इसका अधिपति ये जहां बैठे हैं वो कहां का अधिपति है, लग्न का अधिपति है, केंद्र में बैठा है। लग्न को गुरु ने देखा, लग्न को शुक्र ने देखा, लग्न को बुध ने देखा, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से त्रिकोण में शनि, लग्न से त्रिकोण में मंगल, चंद्रमा से द्वितीयस्थ मंगल, धन धान्य संपत्ति, इन सब चीजों का योग बना रहता है। क्लियर है। राहु आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में जिसके अधिपति चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात होगी राहु के लिए भी, पर वो 12 में बैठे हैं, व्यय पे संतुलन करना होगा, व्यय पे काम करने की आवश्यकता होगी, ये बात मैं समझता हूँ। अब कुछ अच्छी चीजें बता देता हूँ। धन आपकी कुंडली में बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए एक तारीख अच्छी रहेगी, एक अंक अच्छा रहेगा, कुंभ राशि और तुला राशि अच्छी रहेगी, मीन राशि भी आपके लिए अच्छी हो सकती है, सिंह राशि वालों से बच के रहिएगा, वृश्चिक वालों से बच के रहना चाहिए, मकर और धनु वालों से बच के रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उत्तर दिशा मैंने बात कही, उसके अतिरिक्त आपके लिए हरा रंग अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए नक्षत्रों में पुनर्वसु अच्छा रहे, पुष्य अच्छा रहे, अनुराधा अच्छा रहे, श्रवण अच्छा रहे, हस्त अच्छा रहे, रेवती अच्छा रहे, भरणी अच्छा रहे, अश्विनी भी अच्छा रहे, ये कुछ अच्छे नक्षत्र आपकी कुंडली में बने हैं। पर कमज़ोर उत्तरा फाल्गुनी और कमज़ोर आपकी कुंडली के लिए विशाखा भी अच्छा है, स्वाति भी अच्छा रहेगा, मूल नक्षत्र थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, ज्येष्ठा कमज़ोर हो सकते हैं, ये कुछ अच्छे नक्षत्र नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा आषाढ़ा, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, ये चीज़ें बनती हैं। अगर कभी भी भवन वगैरह खरीदना हो तो आपकी कुंडली के हिसाब से आप जो है वो बुध में शनि का अंतर या शनि में बुध जब कभी भी प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में आते हो तो काम कर सकते हैं। विवाह वगैरह के योग आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में या कभी भी शुक्र का अंतर प्रत्यंतर आता हो तो आप काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली विवाह तो हो चुका होगा 1984 के हैं। संतान वगैरह की स्थिति, आपकी कुंडली में संतान को टेक्निकल क्षेत्रों में भेजिएगा, काम अच्छा होगा। ये इतनी सारी चीजें आपको मैंने बताई, अब आपको और भी कुछ चीजें अच्छी बताता हूं। इस कुंडली में किस ग्रह की महादशा में किसका अंतर अच्छा रहेगा, जैसे
शनि की महादशा में गुरु का अंतर अच्छा हो सकता है, जैसे शनि और गुरु का संबंध तृतीय एकादश में का है। मंगल की दशा में शुक्र का अंतर जो है वो मंगल लाभेश है और शुक्र जो है वो पंचमेश है, ये दशाएं अच्छी जा सकती है। गुरु की दशा में बुध की दशाएं अच्छी जा सकती हैं क्योंकि दोनों एक साथ बैठे हैं थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ। शुक्र की दशा में चंद्रमा की दशा अच्छी जा सकती है, शुक्र की दशा में चंद्रमा की दशाएं अच्छी जा सकती हैं। सूर्य की दशा में गुरु की दशा अच्छी जा सकती है, गुरु में सूर्य की दशा अच्छी जा सकती है। लग्न की अधिपति यानी कि बुध की दशा में दशम भाव के अधिपति गुरु की दशा, बुध की दशा में शनि की दशा, बुध की दशा में शुक्र की दशाएं, ये दशाएं अच्छी जा सकती हैं। भवन भूमि वाहन अगर खरीदना हो तो शनि, पुत्र संतान पैदा करना हो, पुत्री संतति या संतान सुख पैदा करना हो, प्राप्त करना हो तो शनि, कर्म क्षेत्र में कोई बदलाव करना हो तो गुरु को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी की चीजें आपको मैं बताऊं तो इस कुंडली में मैंने जो चीज महसूस करी है कि अच्छाइयाँ एक तरफ लगातार बनती जा रही हैं, लेकिन जो चीज़ कमज़ोर है वो ये है कि गौर करिए तो लग्न के ठीक पीछे राहु बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। किसके साथ? गुरु के साथ, जो कौन है आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति। जरा ध्यान से समझिए, 12वें भाव के अधिपति शुक्र और सप्तम भाव के अधिपति गुरु, इन दोनों ने भी तो देखा है। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश गुरु मारक ग्रह की भूमिका में भी तो होंगे, और द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव जो होता है वो बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है, यानी कि गुरु की दशा में बाधाएं भी उपस्थित होंगी, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। और आप एक तरफा सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बता सकते, ये बताना भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा आएगी 2022 के 7वें महीने से, तो थोड़ी बहुत बाधाएं भी उपस्थित होंगी आपके कर्म क्षेत्र के लिए, इसके लिए भी आपको कमर कस के तैयार होना चाहिए। क्लियर है? ये गुरु की दशा आपकी कुंडली के लिए मूल नक्षत्र में बैठे हैं, तीनों ही ग्रह में दो ग्रह वहां पे मूल नक्षत्र के हैं, थोड़े से कंफ्यूजन से युक्त है। आप धर्म मत छोड़िएगा, पूजा मत छोड़िएगा, पाठ मत छोड़िएगा, चालीसा मत छोड़िएगा, दर्शन मत छोड़िएगा, अन्याय वाला क्षेत्र बिल्कुल छोड़ दीजिएगा तो ये गुरु की दशा अच्छी चली जाएगी। ब्राह्मण, गौ और गंगाजल, ये तीनों पकड़ के रखिएगा और एकादशी का व्रत आरंभ कर लीजिए। एकादशी का व्रत आरंभ कर लीजिए, किसी मंदिर का दर्शन आरंभ कर लीजिए और किसी मंदिर को दान देने की प्रवृत्ति डालने की कोशिश करिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को हमेशा ही प्रत्येक महीने कुछ द्रव्य दक्षिणा जरूर दान किया करिए, यह आपकी पुण्य की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इनकी कुंडली के दूसरे चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।